बात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय मंत्री सुभाष गर्ग द्वारा और विधानसभा में एकाध विधायक द्वारा ये उठाई गई कि डॉक्टर क्योड़ीलाल के पास से सूचनाएं कहां से आ रही हैं, ये भी पेपर लीक गैंग से जुड़े हुए हैं, तो मैं आज एडिशनल डीजी साहब को ये कहने आया था कि जब राज्य का मुखिया ये कह रहा है कि मेरे से पूछताछ की जानी चाहिए, तो आपको कुछ पूछना है तो मेरे से पूछिए। तो उन्होंने इनकार कर दिया, आपके बारे में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, हम आपसे कोई पूछताछ नहीं करना चाहते। उसके साथ मैं पेन ड्राइव देकर आया हूँ जो सदन में माननीय धारीवाल जी ने यह कहा था कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल 17 साल से काम कर रहा है, जो सोनिया गांधी जी की प्रेरणा थी, जिसके चेयरपर्सन माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर श्रीमान सुभाष गर्ग मंत्री जी, वो पवित्र है, वहाँ संस्कार दिए जाते हैं, वहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई अनियमितता नहीं है। उस राजीव गांधी स्टडी सर्किल में नौकरियां लगाने के नाम पर, टीचर बनाने के नाम पर, ट्रांसफर पोस्टिंग करने के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, लूटा जाता है, वो भी स्टेट कोऑर्डिनेटर द्वारा। रीजनल कोऑर्डिनेटर जो हैं राजीव गांधी स्टडी सर्कल, उनके द्वारा, जिम्मेदार पदाधिकारियों द्वारा, उसका एडिशनल डीजी साहब को देकर आया हूं और उनसे आग्रह करके आया हूं कि इसकी जांच की जाए। उसमें दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनको पकड़ा जाए, पूछा जाए, जिससे कड़ी आगे बढ़ेंगी और आँच बड़े लोगों तक जाएगी। कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये? मैं अभी, मेरे को एडिशनल डीजी साहब ने मना किया है कि अभी मीडिया को मत बताना, बाद में उजागर करना, हो सकता है एसओ जी ये उजागर करें, वो नहीं करे तो मैं करूँ। अच्छा, इसके अलावा जैसे आप आरोप लगाते रहे हो कि जो एसओ जी है वो बड़े लोगों तक, यानी जो राजनीतिज्ञ हैं वहाँ तक, वो मैं कह के आया हूँ। मैंने एडिशनल डीजी साहब को कहा है कि डीपी जारोली को बर्खास्त किए 20 दिन हो गए और उन्होंने ये कहा था कि इसमें बड़ा राजनीतिक संरक्षण है, तो आप उनको पूछो तो सही कौन कौन राजनेता हैं, किस किस के नाम हैं। उन्होंने ये कहा है कि इसमें उनका फाइनेंशियली कितना दोष है उसकी हम जांच कर रहे हैं और इसको हम देखेंगे। कोई ठोस आश्वासन तो नहीं दिया, लेकिन एक बात मैं उनको और बताकर आया हूँ जो इसमें है कि प्रदीप पारासर और रामकृपाल मीणा को गिरफ्तार किया गया। इसमें 5 लोग प्राइवेट हैं जिनके आदेश न तो कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने किए, न प्रदीप पारासर ने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के नाते किए, लेकिन अपने निजी व्यक्ति 3 प्रदीप पारासर के और 2 अपने रामकृपाल मीणा के पेपर वितरण करने के लिए लगाए, जिनको एक सेट में अलग से पेपर दिए गए, वो सब पेपर लीक किए गए। ये जानकारी मैं इनको दे के आया हूँ, आप उन 5 व्यक्तियों से पूछताछ करें, ये मैं डीजी साहब को कह के आया हूँ। और एक अंतर सिंह नेहरा से भी पूछताछ की जाए, जो उस समय कलेक्टर थे जयपुर के, काफ़ी दिनों तक वो सीएमओ में रहे और उनकी मेहरबानी से प्रदीप पारासर केवल मात्र 1, सब जगह एडीएम लगे हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जयपुर लगाया गया था। तो इसमें अंतर सिंह मेहरा की भी कुछ मिली भगत सी लगती है, उनको पूछा जाए। ये बात कहने के अलावा मैं कुछ और मामले, हिंडौन सिटी में जो गड़बड़ हुआ है वो देख आया हूँ, बालघाट थाने में गड़बड़ हुआ वो देख आया हूँ, और ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, ऐसा नियम बताया जाता है कि एक बार जिस प्रिंटिंग प्रेस को प्रिंटिंग का ठेका मिल जाता है उसको दोबारा नहीं देते, तो सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस को दोबारा क्यों ठेका दिया?
जिसको सुभाष गर्ग ने कॉन्टेक्ट किया था पेपर छापने का, तो वहाँ से भी पेपर लीक होने की संभावना है। और 3-4 बार महत्वपूर्ण लोगों से प्रिंटिंग प्रेस का मालिक जयपुर में मिला है, तो उसकी लोकेशन ली जाए, किस किस से मिला है, और उससे भी पूछताछ की जाए। ऐसे बर्ड्स को लेकर मैं उनको जानकारी देता हूँ। एक बात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय मंत्री सुभाष गर्ग द्वारा और विधानसभा में एकाध विधायक द्वारा ये उठाई गई कि डॉक्टर क्योड़ीलाल के पास ये सूचनाएँ कहाँ से आ रही हैं, ये भी पेपर लीक गैंग से जुड़े हुए हैं, तो मैं आज एडिशनल डीजी साहब को